hello everyone welcome to adufunde i am your mentor of mathematics today we are going to discuss matrices few questions regarding matrices so let's start our session this session is based on very short answer type problems related to matrices so first question is if a is equals to 2 cross 2 matrix is given to us entries are 2 3 1 2 and b is again it's a 2 cross 2 matrix matrix with entries 0 4 minus 1 and 2 then find AB and BA. so first of all हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे AB b कुछ multiply दो matrix को multiply करने का कुछ एक basic criteria होता है अगर वो criteria follow हुआ तो ही दो matrix multiply होती हैं लाइक like मुझे ए बी ए बी को मुझे पता करना है कि ए बी एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहला जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है उसकी रोज नंबर ऑफ रोज जितनी है वो दूसरे मैट्रिक्स विच इज बी उसके रोज के इक्वल होने चाहिए मतलब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होनी चाहिए सिमिलरली अगर मैं बी ए को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो बी के कॉलम्स ए के रोज के जितने होने चाहिए सो so, यहाँ पे देखते हैं ए के कितने रोज है दो रोज है और ए के कॉलम्स कितने है? दो कॉलम्स है तो कॉलम्स यहाँ पे ए के दो है और बी के कॉलम्स बी के रोज कितनी है वो भी दो रोज है हॉरिजोंटल जो भी एरे uh, ऑफ ये एलिमेंट्स होता है उसको हम रोज बोलते हैं वर्टिकल जो होता है उनको हम कॉलम बोलते हैं तो यहाँ पे हम यही पता करने वाले डज ए बी एग्जिस्ट और नॉट लेटस्ट चेक तो जैसे हमने देख लिया कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है बी के तो इसलिए एग्जिस्ट करेगा गए अब so so करेगा तो उनको कैसे हम multiply करते दो मैट्रिक्स को वो देखिए पहली, पहली रो को हम बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कैसे टू को मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा थ्री को मैं माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा टू को मैं फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम क्या करेंगे ए मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे देन वो फर्स्ट एंट्री देगा हमें फिर सिमिलरली पहले रो के कॉरेस्पॉन्डिंग हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बी के और वो दूसरी एंट्री देगा तो सो so ऑन ऐसे करते करते हम पूरा ए बी मैट्रिक्स बना देंगे कैसे टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू माइनस वन फिर नेक्स्ट एंट्री कैसी आएगी टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू टू सिमिलरली हम इसके साथ भी यही बेसिक मेथड फॉलो करेंगे वन को जीरो के साथ फिर टू को माइनस वन के साथ इंटू जीरो प्लस टू इंटू माइनस वन सिमिलरली वन इंटू फोर प्लस टू इंटू टू वन इंटू फोर प्लस टू इंटू टू इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पे पहला जो एंट्री सॉल्व होके आएगी वो आएगी माइनस थ्री फिर दूसरा एंट्री

नंबर ऑफ रोज ए में जो है टू है तो यस बी एग्जिस्ट नाउ बी ए को फाइंड आउट करने के लिए अगेन को को पहले लिख देंगे हम मैट्रिक्स और A को बाद में रखेंगे प्रोसीजर वही रहेगा पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड सेम फिर पहले मैट्रिक्स के पहले रो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से जीरो इंटू टू प्लस फोर इंटू वन ये पहली एंट्री आ जाएगी सिमिलरली जीरो इंटू थ्री प्लस फोर इंटू टू ये दूसरी एंट्री आ जाएगी नाउ नेक्स्ट हम करेंगे माइनस वन इंटू टू फिर टू इंटू माइनस वन टू इंटू वन सिमिलर टू इंटू टू माइनस वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू टू सोटर सोलविंग गेट फोर इंटू वन फोर टूट इंटू वन टू और माइनस टू दैटो फिर टू टू जै फोर माइनस थ्री वन सो ये आ गया बी ए सो क्वेश्चन लेट्स मूव फॉरवर्ड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए स्क्स इक्वल टू फाइंड ए स्क्वेयर

फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर इंटू टू प्लस टू इंटू वन फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ तो माइनस वन इंटू फोर प्लस फोर इंटू माइनस वन फिर माइनस वन इंटू टू प्लस वन इंटू वन इस तरीके से सो आफ्टर सॉल्विंग इट विल गेट फोर फोर सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन जाएगा फोर टू जै एट प्लस टू टेन आज माइनस फोर माइनस वन ये माइनस फाइव जाएगा एंड माइनस टू प्लस वन ये माइनस वन जाएगा सो so, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू थ्री थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है थ्री जीरो जीरो फर्स्ट रो में है जीरो थ्री जीरो 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 थ्री ये थर्ड रो में है तो हमें ए रेस टू पावर फोर निकालना है सो so, अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी कि यहां से मैं मैट्रिक्स से स्केलर में भार ले सकता हूं तो जैसे कि थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 थ्री है इसको हम लिख सकते हैं थ्री टाइम्स वन जीरो 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 जो एंट्री है मैट्रिक्स से उससे मैं थ्री कॉमन ले लूंगा तो यहां से तो थ्री इजिली दिख रहा है और बाकी सारी जीरो 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 एंट्रीज है तो वहां से भी थ्री इजिली कॉमन आ सकता है नो ए रेस टू पावर फोर निकालना है सेम एज इसकी पावर फोर कर देना और ये वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन को जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री टाइम्स आई थ्री

अगेन सेम कंसेप्ट लगाएंगे अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए मतलब एंड उसको ये जीरो के इक्वल है दैट जीरो दैट जीरो मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं इसे जीरो मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू टू ऑर्डर टू की जीरो मैट्रिक्स बोला जा सकता है तो हम वही करने वाले ए स्क्वायर इज इक्वस टू जीरो ए स्क्वायर इज टू जीरो गिवन था सो इट कैन बी रिटर्न इंटू ए इज इक्व जीरो फिर टू फोर माइनस वन के इज इक्वल टू जो जीरो मैट्रिक्स टू क्रॉस टू क्योंकि इनके साथ इनको देखते हुए जीरो मेट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू बना दिया हमने नाउ सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई सेम प्रोसीजर रहेगा फर्स्ट रो जो की फर्स्ट मैट्रिक्स की है फर्स्ट कॉलम जो की सेकेंड मेट्रिक्स का है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू इंटू टू फिर फोर इंटू माइनस वन करेंगे फिर टू को मैं फोर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फोर को मैं K के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये सेकंड एंट्री आ गई फिर थर्ड एंट्री भी इस तरह से आएगी फोर्थ एंट्री माइनस वन इंटू फोर प्लस के इंटू के सो यहाँ पे विच इज इक्वल टू जीरो 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 जस्ट अ स्मॉल करेक्शन यहाँ पे प्लस होगा मल्टीप्लाई नहीं होगा तो बस इतनी सी बात है यहाँ पे माइनस वन इंटू फोर एंड प्लस के इंटू के स्क्वायर सो इक्वेट करेंगे यहाँ पे तो यहां पे पहले एंट्री को सॉल्व करेंगे तो जीरो जाएगा सेकेंड एंट्री विल बी एट प्लस फोर के थर्ड एंट्री विल बी माइनस टू माइनस के एंड फोर्थ एंट्री विल बी माइनस फोर प्लस के स्क्र विच विलवल टू जीरो 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 सॉल्व करेंगे यहां से तो अगर मैं इक्वेट करूंगा दोनों साइड को तो यहां पे एट प्लस फोर के इज इक्वल टू जीरो आजेगा तो के की वैल्यू यहां से माइनस टू आ जाएगी तो के की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस टू विच इजर फाइनल आंसर सो आई होप This solution is clear to everyone. I hope uh, this session was very productive for all of you. Thank you so much.